अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर अपनी फर्म का नाम बताइए। ये पारिमपुरा फ्रूट मंडी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल यहाँ पर होता है ज़्यादातर। अभी फ्रूट का सीज़न चल रहा है इस टाइम, और यहाँ पर अभी सीज़न पिकअप है इस टाइम। तकरीबन अरेवल यहाँ पर है, तकरीबन 50-60 गाड़ी रोज़ आता है यहाँ पर पारिमपुरा में। और इस टाइम हमारे पास जो वेराइटी है, अभी अमेरिकन भी चालू हो गया, डिलीशियस भी चालू हो गया, ये गाला भी चल रहा था, अभी एंडिंग सीजन है इसका। ये बिका आज यहाँ पर 700 रुपये। ये 5 तार लायर है, ये गाला है, इसको बोला गाला मस्त बोलते हैं इसको। इससे पहले रेड गाला आ रहा था, पूरा वेराइटी आई थी यहाँ पर पहले, इससे पहले। अभी इसका लास्ट चाला होगा इसका, ये अब ख़त्म होने वाला गाला। इसके बाद डिलीशियस आएगा, अमेरिकन आएगा, और दूसरी वेराइटी भी आएगी इसके साथ साथ। और यहाँ पर डिलीशियस बिका आज 700 से 800 रुपये तक। और जो अमेरिकन का डब्बा है, जो लकड़ वाला डब्बा है अमेरिकन वाला, वो बिका आज 400 रुपये। यहाँ पर नाग भी आया, नाग यहाँ पर बिक रहा है, जो एवरेज बिक रहा है, एवरेज बिक रहा है यहाँ पर 500 से लेकर 600 रुपये। जो सुपर नाग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाग है, बढ़िया नाग है, वो बिक रहा है 700 से लेकर 800 रुपये। और जो उससे भी लो रेट है, वो बिक रहा है 300 रुपये 250 रुपये। नाग का रेट है इस टाइम 200 से लेकर 700-800 रुपये तक है। ये मैं कागजी नाक की बात बोल रहा हूँ आपको, जो हर नाक है उसका रेट है 500 रुपये पेटी, वो 5 तार में आता है इस टाइम। और जो कोतर नाक है, वो भी 400 से 500 रुपये बिक रहा है। और जो बादशाह नाक है, वो 500-600 रुपये बिक रहा है। मगर असली कागजी नाक है, उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल उसका आ रहा है यहाँ पर, उसका रेट है 600 से लेकर 800 रुपये तक। और जो एवरेज निकलता है उसमें, वो 500 से लेकर 800 रुपये तक। और जो लो रेट बिक रहा है, वो 250 से लेकर 300-350, वो नीचे का रेट आता है उसमें। और जो बढ़िया माल है, बढ़िया माल की पोजीशन अभी नाक में भी डाउन चल रहा है। पिछले हफ्ते आपने देखा, जो बांग्लादेश से वो जो उधर से जो फोटो आए वहाँ पर, क्योंकि अमेरिकन वहाँ सही नहीं पहुँचा वहाँ पर, उसके कारण यहाँ पर अमेरिकन में डाउन आ गया। उसकी वजह से अभी लोगों ने अमेरिकन यहाँ पर बिक रहा है इस टाइम, जो बढ़िया माल है उसमें आता है, लकड़ में आता है, उसका 400 रुपये रेट है यहाँ पर, 400 से लेकर 410-420 रुपये। पेट छोटा डब्बा, तीन ता वाला जो पेटी बिक रहा है, वो 700 से लेकर 800 रुपये तक है। शिमला डिशेज भी आ रहा है, हाँ शिमला आ रहा है। शिमला का रेट है इस टाइम 700 से लेकर 800 रुपये पेटी, 5 ता वाली, 4 ता उसे काम बिक रहा है, 50 रुपये काम बिक रहा है, 5 ता 4 ता। कश्मीरी डिशेज भी चालू नहीं है अभी, शिमला ही आ रहा है, कुल्लू ही आ रहा है, और जो रंगदार माल है वही आ रहा है इस टाइम, कश्मीरी भी चालू नहीं हुआ यहाँ पर। कुल्लू की जो बढ़िया माल होगा, सुपर माल होगा, उसका भी यही रेट है, 700 से लेकर 800 रुपये उसका रेट। मगर अभी तो कम माल मंडी में आ रहा है, अभी रंग कम आ रहा है मंडी में। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि आप वेट करो माल का, अभी जल्दबाजी मत करो आप, क्योंकि रंग का वेट करो। जब पूरा रंग आएगा माल में, उसके बाद आप उसको उतारना शुरू करो। अभी और ग्रेडिंग का ज़्यादा ख्याल रखो आप, ग्रेडिंग में एक नंबर होना चाहिए, दो नंबर होना चाहिए, उसका ज़्यादातर ख्याल रखो, ग्रेडिंग का ख्याल रखो। ये हमारा मंडी है, ये बहुत बड़ा मंडी है यहाँ पर पारिमपुरा। इस टाइम सब मंडियाँ खुल गई हैं, सोपुर से भी मंडी है इस टाइम, बारामूला में है, गांधरबल में है, शुपियन से मंडी है। यहाँ भी अरेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है, 50-60 गाड़ी का अरेवल होगा यहाँ पर। अभी दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर बाहर के ग्राहक भी आने शुरू हो गए यहाँ पर, उसके बाद रेट बढ़ेगा यहाँ पर। मगर अभी क्वालिटी वाला माल कम आ रहा है, क्योंकि अभी रंग कम आ रहा है माल में। अभी आपका रंग आएगा माल में तो उतारो आप इसको, आप बेरंग माल मतलब मंडी में, उसे रेट डाउन होता है इसे यहाँ पर। इसे आप ग्रोवर से गुजारिश करते हैं, बोर्ड पर भी गुजारिश करते हैं उनसे, कि माल का वेट करो, जब रंग पकड़ेगा तो उसके बाद उतारो माल, वो मंडी में लाओ, उसका रेट दाम बहुत अच्छा आएगा उसके बाद। ग्रेडिंग के बारे में आपको मैंने बोला कि ग्रोवर से गुजारिश करते हैं, ग्रेडिंग अच्छी तरह करो आपको। अगर एक दाना जाएगा दो नंबर का दाना जाएगा एक नंबर की पेटी में, वो सारी लाड़ को खराब करेगी। और दूसरी बात है, उसका रेट भी डाउन हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ग्रेडिंग का ज़्यादा ख्याल रखो। ग्रेडिंग में आप 2 नंबर अलग निकालो, 3रा नंबर अलग निकालोगे, और 1रा नंबर अलग निकालो, ग्रेडिंग का ज़्यादातर ख्याल रखो, उससे हमारा मार्केट आगे अच्छा रहेगा। अभी कंपटीशन का सीजन आ गया है, कंपटीशन का ज़माना बन गया है, अभी हिमाचल से हमारा कंपटीशन है यहाँ पर। आप देखो उन पर उनकी ग्रेडिंग कैसी होती है, बाहर की मंडी में उनका नीचे से ऊपर तक एक जैसा होता है। इसलिए कश्मीर के ग्रोवर से हम ये गुजारिश करते हैं, ग्रेडिंग का ज़्यादा ख्याल रखो, जो ऊपर पाएगा वो भी नीचे होना चाहिए, एक जैसा माल होना चाहिए, उससे रेट अच्छा आएगा। फुल भराई यहाँ पर नहीं आता, फुल भराई थोड़ा लूज आ रहा है, उसका रेट वही है 250 से 300 रुपये।
बाकी तरह अभी माल अभी चालू होना शुरू हो गया, अभी कम आ रहा है, कुल्लू आ रहा है, उसके बाद कश्मीरी डिश आएगा, अमेरिकन ज़्यादा पिकअप हो जाएगा, उसके बाद माल आने 15 तारीख के बाद ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा यहाँ पर। और अगर हम ग्रेडिंग या उसका रंग रंगदार माल आएंगे मिली में, उसका रेट फिर अच्छा रहेगा। बाकी जीरो माइन तो ख़त्म हो गया, अभी आ रहा था पहले, वो ख़त्म हो गया। उसका रेट पहले ठीक था, 800-900 रुपये बिक रहा था वो, अब वो ख़त्म हो गया। वेराइटी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब रेड गाला आ रहा था, शिनेको गाला आ रहे थे, अभी गाला की तकरीबन 4-5 वेरायटी है, वो तो ख़त्म हो गई है। अब एक गाला माशा रहा है, 1-2 चाला होगा इसका, ये आ रहा है। और उसके बाद जो जीरो माइन था या किंग राड था, वो वेरायटी तो अब ख़त्म हो गई है। अब हमारा कश्मीर रिवायती डिशेज आएगा, और ये कुल्लू वुल्लू चाहिए, फिलहाल तो शिपियन का कुल्लू आ रहा है इस टाइम, और ये गांधरबल का कुल्लू आ रहा है। उसके बाद जो रिवायती अपना डिशेज होगा वो आएगा, और उसके बाद अमेरिकन भी आएगा। अब तो जो रिवायती एप्पल है वो आना शुरू हो गया, जो वेरायटी है वो सारा ख़त्म हो गया। बाकी 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 वसलाम।